दोस्तों, हम सभी को सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है, लेकिन दोस्तों अब यह इंतजार खत्म होने वाला है। दोस्तों, सुपरस्टार रजनीकांत लगभग 2 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। दोस्तों, उनकी आने वाली फिल्म ने कैसे बनाया अमेरिका में रिकॉर्ड, पूरी जानकारी देंगे। वीडियो पर बने रहना। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत अपनी फिल्मों को लेकर काफ़ी चर्चा में रहते हैं। रजनीकांत जेलर के साथ वापसी कर रहे हैं। जेलर एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें वह एक सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी की भूमिका निभाते हैं जो एक बड़े गिरोह को रोकने के लिए निकलता है और अपने परिवार की हर समय रक्षा करता है। दोस्तों, उनकी फिल्म जेलर 10 अगस्त को रिलीज होगी। इस फिल्म से रजनी लगभग 2 साल के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में फैंस के उत्साह को देखते हुए चेन्नई और बेंगलुरु में कई ऑफिसों ने 10 अगस्त की छुट्टी की घोषणा की है। दोस्तों, अमेरिका में कैसे बनाया रिकॉर्ड? दोस्तों, जेलर की धमक न्यूयॉर्क शहर के टाइम स्क्वायर में भी देखी जा सकती है। फिल्म का भारत में एडवांस बुकिंग 2 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। वहीं अमेरिका में यह आंकड़ा 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। अमेरिका में ऐसी करने वाली पहली साउथ इंडियन फिल्म बन गई है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।